एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे में अगर आपके फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, 5-6 महीने हो गए हैं लेकिन उसमें ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे मैंने टिप्स और ट्रिक बताए हैं इस वीडियो में, जिनकी सहायता से आप ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। 2 फर्टिलाइज़र मैंने बताई हैं, उनका अगर प्रयोग करके भी आपको फ्लावरिंग नहीं मिलती है अच्छी मात्रा में, तो एक जो रामबाड़ इलाज है फ्लावरिंग लाने का, वो मैं आज बताने वाली हूँ। उसका प्रयोग से आप ढेर सारे फूल प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ अगर पौधे में कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी ठीक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र के पहले कुछ बातें इनके बारे में हैं, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो जो हाइब्रिड प्लांट है उसको तो आप ला सकते हैं, लेकिन देसी प्लांट को आप बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि देसी प्लांट में सिर्फ 15-20 दिन ही फ्लावरिंग होगी, फिर वो रेस्ट पे चला जाएगा, तो आपका लाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब ग्रोथ रुक जाएगी। 15-20 दिन ही जहाँ तक होगी ग्रोथ, बाकी वो ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए आप ना ही लाएँ तो अच्छा है। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है लगाने का तब तो ला सकते हैं, वरना अवॉइड करिए। हाइब्रिड प्लांट अगर आपको अच्छी कलर का मिल जाता है, अच्छी रेट में मिल जाता है, तो आप ला सकते हैं, लेकिन उसको रीपॉट सिर्फ 30 नवंबर तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें होती है अंदर बास्केट, तो अगर आप पूरा उसको खोलेंगे, पूरी रूट ओपन करेंगे, तो उसको जब ठंडक पड़ने लगेगी तो उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन 30 नवंबर तक उसको रीपॉट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अब धूप में इतनी तेज़ी नहीं है, तो प्लांट को आप वहाँ रखें जहाँ पर इनको फुल सनलाइट मिलती हो। सनलाइट अब इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको शेड में रखेंगे या फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, तो तरह तरह के पेस्ट इनके ऊपर लग जाएंगे, जिसके कारण प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ कलियाँ अच्छी मात्रा में नहीं बनेंगी। अगर 1-2 कली बन भी जाती है तो पूरी अच्छे से ओपन नहीं होगी, जब तक उनको अच्छे से धूप नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अब हल्की हल्की सी ठंडक पड़ने लगी है, रात में भी थोड़ी बहुत ओस पड़ती है, तो पानी का आपको अगर ड्राई लगती है तभी पानी दीजिए, गीली मिट्टी में कभी भी पानी मत दीजिए, अच्छा होगा मिट्टी को अच्छे से चेक करके ही पानी दीजिए। अगर मिट्टी आपको मॉइस्ट लगती है तो पानी मत दीजिए, इसके बजाय आप प्लांट पर शावरिंग कर दीजिए। प्लांट पर शावरिंग करेंगे, प्लांट भी साफ़ हो जाएंगे, जिसके कारण प्लांट अच्छे से हेल्दी भी बने रहेंगे। तरह तरह के पेस्ट अगर लगे भी हैं तो वो भी धुल जाएंगे, इसलिए समय समय पर शावरिंग करते रहिए में पानी देने के बजाय। वैसे भी जब शावरिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मिट्टी में पानी जाएगा ही, इसलिए पूरी सर्दियों भर कम से कम हफ्ते में एक बार इन पर शावरिंग तो ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो अगर गुड़हल की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से गुड़हल के लिए बाहर से किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से गुड़हल पर भरपूर मात्रा में फूल प्राप्त किए जा सकते हैं, पौधा भी खूब अच्छे से घना भी होगा। तो इसमें अगर हम सबसे पहली फर्टिलाइज़र की बात करी जाए, जो कि प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी देता है, प्लांट को हेल्दी भी बना के रखता है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है, तो वो है बनाना पील और एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। बेस्ट फर्टिलाइज़र है गुड़हल के प्लांट के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने आपको पहले ही बनाना बताया है, तो इसका प्रयोग आप गुड़हल के प्लांट पर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस प्रयोग करने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि ये पील का फर्टिलाइज़र है, इसको बिना वाटर में डिज़ोल्व किए हुए नहीं देना है, ठीक फर्टिलाइज़र कभी भी लिक्विड नहीं देना है। तो इसको हम जब डिज़ोल्व कर लेंगे सिंपल वाटर में, तभी इसको हम अपने प्लांट पर देंगे। तो ये जितना आप देख रहे थे, 1 बॉटल इसमें पानी था और उसका जस्ट डबल इधर 2 बॉटल पानी था, जस्ट डबल पानी जितना आपने पानी में बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाया है उसका जस्ट डबल पानी लेना है। ये फर्टिलाइज़र ठीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं वाटरी लग रहा है।
रहा है। तो इसी तरह का फर्टिलाइज़र होना चाहिए, थिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आप डाल सकते हैं, गुड़हल के प्लांट के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। लेकिन एक बात ये भी है कि हम कोई भी फर्टिलाइज़र चाहे जितनी अच्छी हो, लगातार हम उसी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट को हर तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ एक फर्टिलाइज़र से इनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, इसलिए आप बदल बदल के फर्टिलाइज़र इनको दीजिए, फिर चाहे आप होममेड बनाइए या बाहर से लाइए। तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र तो देना ही है, साथ ही साथ जो घर में गार्लिक पाया जाता है, सभी के घर में पाया जाता है गार्लिक, तो उसका पानी भी आप दे सकते हैं। जो गार्लिक होता है वो बेस्ट रूटिंग हार्मोन होता है, तो उसको ज़रूर प्रयोग करिए। जैसे रात में जब यूज़ की जाती है गार्लिक, तो उसका छिलका निकलता है, उसको पानी में, एक ग्लास पानी में डुबो के रख दीजिए, फिर जब मॉर्निंग में उस पानी को आप अपने प्लांट को दे दीजिए। ये अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, अगर प्लांट की रूट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी हील करता है, साथ ही साथ अगर कोई पेस्ट वगैरह लगा है तो इस पानी से आप प्लांट की शावरिंग कर दें, बहुत ही जल्दी राहत मिलती है इस पानी से, क्योंकि इसमें पाया जाता है सल्फर। तो इस तरह से आप घरेलू चीज़ का प्रयोग करिए। आप अगर ये दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपके प्लांट खूब अच्छे से घने हैं, बहुत ही अच्छे से ब्रांचेस भी निकलती हैं, पौधा घना है, भरा है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, तब आपको क्या करना है? तो उसके लिए लेना है ये एक सफ़ेद चीज़, ये है फिटकरी। फिटकरी रामबाण इलाज है फ्लावरिंग, पौधे पर फ्लावरिंग लाने के लिए। कितना यूज़ करना है? सिर्फ एक टुकड़ा, ये जरा सा आप देख रहे हैं, इतना ही यूज़ करना है। प्लांट की मिट्टी में कोने में दबा दीजिए, जब भी आप वाटरिंग करेंगे इसका रिलीज़ होता रहेगा। अगर आप पानी में देना चाहें तो जैसे इतना बड़ा एक पीस है ये फिटकरी का है, सभी किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती, लेकिन अधिकतर सभी के घर में होती है। तो इतना बड़ा पीस आपको पानी में डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है, 10-15 मिनट के लिए रखना है, फिर इस पीस को निकाल देना है और इस पानी को आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दें। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, प्लांट की मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना है। गीली मिट्टी में कभी भी पानी नहीं देना है, गीली मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो इस तरह से हम ये पानी दे देंगे, और महीने में सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार इसका प्रयोग नहीं करना है। फिटकरी का एक प्रयोग और भी होता है, ये मिट्टी की पीएच को बैलेंस करता है। जब पीएच मिट्टी का इम्बैलेंस होता है तब भी जो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।